बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सब दोस्तों को आपके अपने चैनल सिंध कार मार्केट में खुशामदीद कहते हैं और आपसे गुजारिश करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके लिए बिल्कुल मुनासिब कीमत में बेहतरीन गाड़ी लेकर आए हैं। ये एक सिलाई की शक्ल में ये गाड़ी आपको मिलती है। 2009 मॉडल है, पंजाब नंबर प्लेट पे और लाहौर लोकेशन पे आपको ये गाड़ी मिलने वाली है। डिस्क्रिप्शन में ओनर का नंबर मौजूद है, वहाँ से आप नंबर लेके गाड़ी को विज़िट करना चाहें तो कर सकते हैं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे दरख्वास्त करता चलूँ कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, या अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे दरख्वास्त करते हैं कि हमारी रहनुमाई के लिए, हमारी हौसला अफजाई के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, इस गाड़ी में आपको ब्रांड न्यू टायर मिल जाते हैं, अलॉय रिम इसके अंदर आपको इंस्टॉल हुए मिलते हैं। साइडों से आपको हल्की पुल की टचिंग की वजह से मुकम्मल ये गाड़ी साइडों से शावर मिलती है। अलबत्ता फ्रंट डिग्गी छत ओरिजिनल हालत में, ओरिजिनल कलर में आपको मिलने वाला है। ओवरऑल माशाल्लाह बिल्कुल सील बाय सील है, कोई सील इसका टूटा हुआ या डैमेज वगैरह नहीं है। इससे आपको बखूबी अंदाज़ा हो सकता है कि ये गाड़ी माशाल्लाह बिल्कुल नॉन एक्सीडेंटल गाड़ी आपके लिए पेश है। अगर गाड़ी के इंटीरियर की बात करें तो साफ़ सुथरा डैशबोर्ड इसमें आपको मिलता है, जिसकी तस्वीरें भी आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। इस गाड़ी में आपको LCD स्क्रीन, बैक कैमरा, हैवी म्यूज़िक सिस्टम इंस्टॉल हुआ मिलता है, जिससे आप नाते वगैरह सुन सकते हैं। पावर विंडो, पावर मिरर, पावर स्टेयरिंग के ऑप्शन देखने को मिलते हैं। वाटर ड्रॉप इंजन इसमें आपको अवेलेबल मिलता है। चिल किस्म का AC और हीटर बिल्कुल वर्किंग कंडीशन में आपको मिल जाते हैं। तो ओवरऑल माशाल्लाह बेहतरीन गाड़ी है, तस्वीरों से आपको बखूबी अंदाज़ा हो रहा होगा। बिल्कुल साफ़ सुथरा डैशबोर्ड माशाल्लाह आपके सामने है, तस्वीरें भी आपके सामने चल रही है। बहरहाल जब आप गाड़ी को विज़िट करें तो अच्छी तरह चेक करने के बाद फिर आप गाड़ी के ऊपर बार्गेनिंग कर लें। अगर गाड़ी के इंजन की बात करें तो इंजन बिल्कुल ओके हैं, अभी हाल ही में इंजन के अंदर काम करवाया गया है, ऑयल वगैरह भी चेंज करवाया गया है, बाकी ट्यूनिंग वगैरह भी करवाई गई है। तो आपको इंजन के सिलसिले में इंशाल्लाह बहुत जल्द मैकेनिक के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये ओनर का दावा है। बहरहाल जब आप गाड़ी को विज़िट करें तो सबसे पहले इंजन को चेक करने के बाद फिर आप गाड़ी के ऊपर बार्गेनिंग कर लें। अब चलते हैं गाड़ी की डिमांड की जाने। तो ओनर के मुताबिक इस गाड़ी की डिमांड रखी गई है 6,70,000 रुपये, मगर दोस्तों ये डिमांड फ़ाइनल है, इसमें मज़ीद कोई कमी की गुंजाइश नहीं है। डिमांड की कमी की वजह यही है कि दोस्तों इसकी जो ओरिजिनल कागजात है वो मिसिंग है, जिसकी वजह से इसकी डिमांड इतनी कम है। वरना नॉर्मली इस तरह की गाड़ियां आपको पता है कि वो 10-11 लाख के आसपास मिलती है। तो अगर आप इस गाड़ी में इंटरेस्टेड है तो इसके लिए आप रابطہ कर सकते हैं, रابطہ नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।